हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। हम पढ़ रहे हैं इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इंट्यूटिव क्या है? इंट्यूशन। अब आप कहेंगे इंट्यूशन क्या है? आपको पता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम हम करने जा रहे होते हैं, हमारे पास सारे रीजंस होते हैं कि हम ये ना करें, या समझे 50-50 होता है कि हम करें, 50-50 होता है नहीं करें। लेकिन आप कहते हो, यार आई फील लाइक आई शुड डू इट। नाउ दैट्स व्हाट इज दैट, दैट्स योर इंट्यूशन। ठीक है, आपकी गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, ऑलराइट, आपकी इनसाइट, आपकी अपनी, आपको प्रूफ्स की नीड नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी इंसान के लिए आपने कहा, यार आई फेल्ट लाइक दिस गाय वाज अ गुड पर्सन। अब ये ऑब्वियसली इंट्यूशन ऐसा नहीं है कि नींद से उठे और छोटे ही थे और आ गई। यू हैव बीन विद पीपल, ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों को देखते हैं, आपने उसको ऑब्जर्व किया एंड यू फेल्ट लाइक दिस गाय इज अ गुड पर्सन। तो व्हाट इज दैट? दैट वाज योर इंट्यूशन। इंट्यूशन वो आपकी इनसाइट थी जो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आई होगी, आप इतना लोगों से बातचीत करते हैं उससे आई होगी, या आपकी स्टडी से आई होगी, किसी भी तरह एक इंट्यूशन आना। ठीक है, दैट्स इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। लेट्स स्टडी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। इज मेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, feelings and accumulated judgment. It complements both rational and bounded rational decision making. Intuitive decision making क्या है? Making decisions on the basis of experience. जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों से इतना मिलते हैं, आप अब आपकी इतनी आदत हो गई है कि आप किसी को देख के you feel like if he is a good person, if he is not, आप एक idea लगा लेते हो। Intuitive decision. आपको एक वाइब आ रही होती है, हम कहते हैं यार आई डोंट गेट अ गुड वाइब फ्रॉम दिस गाय, पता नहीं क्यों उससे मिलके अजीब लगता है, पता नहीं क्यों ये चीज करके अजीब फीलिंग आती है। तो दैट्स योर फीलिंग टेलिंग यू नॉट टू गो फॉर इट, दैट्स योर इंट्यूशन। एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट, हम ये भी कहते हैं कि किसी इंसान को हम, जैसे एक क्लास में आपने दो तीन लोगों को आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, यू आर वेरी ऑब्जर्वेंट, तो आप उनको देखते हैं, आप उनका बिहेवियर देखते हैं फ्रेंड्स के साथ, ये वो, तो वो आपकी एक अक्यूमुलेटेड जजमेंट हो गई, गैदर्ड जजमेंट हो गई, कि आपको पता चल गया इफ ही इज अ गुड गाय और नॉट, सही बंदा है या नहीं है, अजीब सा है यार, हंसता रहता है, आई टेल यू टीचर कुछ भी बोले सीरियस ही नहीं होता। तो दिस इज व्हाट, आपने ये जजमेंट अक्यूमुलेट की है, तो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। वैसे जज करना लोगों को बहुत गलत बात है, बट ऑब्वियसली आप अपने लिए, आप भले दूसरों को ना बताएं, आप कुछ ना करें, आप अपने लिए एक लोगों को कैटेगराइज तो करते हो। उसके अलावा लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप गए सुपरमार्केट, बहुत सारे ऑप्शंस थे, किसी एक आध ऑप्शन पे आपकी इंट्यूशन ने कहा यार दिस ऑप्शन इज गुड, यू वेंट फॉर ग्रीन टी, ऑलराइट, एंड यू वर लाइक यहाँ तो हजारों फ्लेवर्स हैं, कितने सारे फ्लेवर्स, कितने सारे ब्रांड्स हैं। Now I do know कि टपाल is a good one and I usually use it, तो टपाल सही है, you are like let's go for टपाल or Lipton, अब उसके अंदर मैं कौन सा फ्लेवर लूँ। Now this is where intuition comes in, you are like apricot है, lemon है, strawberry है, you are like strawberry, lemon, दोनों मुझे ज़्यादा समझ आ रहे हैं, तो let's take lemon this time and next time हम strawberry लेंगे। Now This decision is based on your intuition. कि आपने देखा, आपने feel किया, which one would I like more? And आप कह रहे हैं next time strawberry. तो जब आप उनको फिर compare करेंगे, फिर it won't be an intuitive decision making. फिर आप वो brand लोगे, वो flavor लोगे जो आपको अच्छा लगता है. लेकिन intuitive decision making जो पहले आपने जाके lemon choose किया, that's your intuitive decision making. उसी तरह एक मैनेजर भी एक बहुत एक्सपीरियंस होता है, ही हैज़ एन आइडिया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, तो वो भी डिसीजन इस तरीके से ले सकता है कि यार जैसे ही कोई प्रॉब्लम आई, ही वाज लाइक डोंट वरी अबाउट इट, मैंने ऐसी सिचुएशन पहले भी हैंडल की है, वी विल डू दिस एंड दिस इज डन। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई मीडिया में है,
तो व्हाट डू पीपल डू, फॉरन स्टेप लेते हैं, राइट वो इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक चीज़ उनको जाके प्रेस में कुछ बोलना है तो वो उसको एक हफ्ता दो हफ्ते पहले वो बात बोलें, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यार सिचुएशन अभी आई है, यहाँ पे अभी क्राइसिस आया है, और ये 2 वीक बाद तो शायद ख़त्म भी हो जाए, एंड देन आप कॉन्फ्रेंस रख रहे हो। तो वो अपनी इंट्यूशन पे जाके अपना रिप्लाई देते हैं, वो अपनी फीलिंग देखते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस से कि यार दिस इज़ व्हाट हैपनिंग एंड दिस शुडेंट बी हैपनिंग, ये ऐसी चीज़ हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये जो चीज़ें हम करते हैं ये हमारी इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग है, ऑलराइट। सो मैनेजर डज द सेम, कभी कभी वो ऑर्गेनाइजेशन में इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग करता है। उसने अपने स्टाफ को देखा, अपनी सेल्स गिरते हुए देखा, उसको फौरन आइडिया हो गया, यार माय प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, ऑलराइट, दिस इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मेरी टारगेट मार्केट बेस्ट है। उसने विद इन 2-3 आवर्स ईमेल की, यार यू नो व्हाट, ये सेल्स कम है, आई थिंक वी नीड ट्रेनिंग। दैट्स इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली रॉन्ग, ठीक है, बट इट कुड बी बेटर। सही है, आप थोड़ी क्वांटिटेटिव डेटा भी ले लें, लेकिन कभी कभी टाइम नहीं होता तो एक मैनेजर को इंट्यूटिव पे ही जाना होता है, सोलली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूटिव, वरना भी वो डेटा भी लेता है, वो आगे पीछे रिव्यू भी लेता है, सर्वे भी लेता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ वी आर सीइंग इट कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या है, एडिंग एक्स्ट्रा वैल्यू। हमने पहले पढ़ा था कि रैशनल डिसीजन मेकिंग है एंड बाउंडेड रैशनल डिसीजन मेकिंग है, दोनों पे वीडियो अवेलेबल है, इंशाल्लाह कार्ड पे भी होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी होगी, इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं, इससे पहले भी देख सकते हैं, ठीक है। अब इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको फील हो रहा होगा कि यार मोस्ट डिसीजंस में हम इंट्यूशन को भी देखते हैं, हम इंट्यूशन अपना लेते हैं कंसिडरेशन में, चाहे हम ऐसा कहते तो नहीं है ना, मेरी फीलिंग नहीं, जब हमारे पास डेटा आता है, हमने सब कुछ कर लिया, 2 चॉइसेस आई, दोनों चॉइसेस बेस्ट हैं, उसमें से एक मोस्टली हमारी इंट्यूशन पे चूज होती हैं, 2 आइडियाज़ आए प्रोजेक्ट के, दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों फीजिबल थे, दोनों अच्छे हो सकते थे, एक मैनेजर ने कहा यार फर्स्ट आइडिया इज़ मच बेटर एंड आई थिंक इट विल डू बेटर देन द सेकेंड आइडिया, तो वी गो फॉर दिस, दैट्स हिज इंट्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, इंट्यूशन क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालता है। रैशनल और बाउंडेड रैशनल में एक हमने डिसीजन बनाया, उसमें वो जो आपका इंट्यूशन है वो आपको और ज़्यादा अफर्मिटी देता है कि हाँ, कन्फर्मेशन देता है कि यस दिस इज द गुड डिसीजन, लेट्स टेक दिस डिसीजन, ऑलराइट। देर आर 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंट्यूशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है, पीछे, बस अब हम एक्चुअली थोड़ी सी कैटेगराइजिंग कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड, मैंने आपको बता दिया हम एक्सपीरियंस पे बनाते हैं। अफेक्ट इनिशिएटेड, व्हाट इज अफेक्ट इनिशिएटेड, बेसिकली आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस। कॉग्निटिव बेस्ड, कॉग्निटिव क्या होता है, योर माइंड, आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटी, दैट्स कॉग्निटिव, तो आप कॉग्निटिव के बेसिस पे भी डिसीजंस लेते हो कि मुझे पता है ये चीज़, दिस इज माई नॉलेज, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, तो दैट्स कॉग्निटिव। अब सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस बेसिकली क्या होता है, एक हमारा माइंड जो है कॉन्शियस होता है और एक सबकॉन्शियस होता है। कॉन्शियस इज बेसिकली जो हमारा प्रेजेंट माइंड है, जैसे मेरा अभी माइंड में बोल रही हूँ जो जो चीज़ें, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन अक्सर अवकात जो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जो मुझे फौरन आ रही होती हैं, वो मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रही होती हैं, वो हैं तो दिमाग में लेकिन प्रेजेंट नहीं है। जब मैं बोलने लगती हूँ तो आई फील लाइक यार दिस इज़ कनेक्टिंग, इस टॉपिक से ये चीज़ कनेक्ट हो रही है, इस टॉपिक से ये चीज़ कनेक्ट हो रही है, वो मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस में जो कॉन्शियस माइंड के पीछे होता है उसमें है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग, यानी जो चीज़ें हमारे दिमाग में ऑलरेडी कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने देखी हों, फीड हुई हों, वो भले एक्टिव ना हों, पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो अक्सर औकात आ रही होती हैं। आपने रियलाइज़ किया होगा कभी टीचर ने कुछ पूछ लिया एंड यू आर लाइक हाउ डू आई नो दिस बट आई नो दिस, मुझे ये चीज़ पता है, एंड यू आंसर्ड इट, और आपको नहीं पता कि आपने कहाँ पढ़ी, कैसे पढ़ी, कब पढ़ी, अभी आपको क्यों याद है, बट यू नो दिस थिंग,
That's your subconscious, right? And then there's values or ethics based decision. आप अपने culture, ethical values, इनके हिसाब से भी decision लेते हो, alright? So these are the five different aspects of intuition. Now, why is it preferred? पहले कहा जाता था कि यार feelings जो है ना अपने decisions में मत लाओ. This is no more the situation. अब लोग कहते हैं कि bring feelings. आपकी feel, आपकी gut feeling क्या कह रही है यार? आपकी sixth sense क्या कह रही है? And you are like my sixth sense is let's do this. Alright, let's go, let's do this. ठीक है? ऐसा होता है कि अब लोग कहते हैं managers को भी कि use your intuition. This is why. A manager who has had experience with the similar types of problem or situation often can act quickly with what appears to be limited information because of that past experience. अब हम experience बहुत देखते हैं. Experience क्या है? कि हमने पीछे बहुत सारी ऐसे situation को tackle किया है, handle किया है, manage किया है. जब एक manager experience है और उसने इसी तरह की कोई problem पहले भी face की हुई है और उसका solution निकाला था, तो जब ये प्रॉब्लम दोबारा आएगी कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में उससे सिमिलर प्रॉब्लम आई, तो भले ही इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी हो, वो उस पर एक्ट कर सकता है, उसको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए. इन एडिशन, अ रिसेंट स्टडी फाउंड दैट इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस्ड इंटेंस फीलिंग्स एंड इमोशंस व्हेन मेकिंग डिसीजंस एक्चुअली अचीव्ड higher decision making performance, especially when they understood their feelings as they were making decisions. क्या है, जब हम experience होते हैं, हमारी intense feelings और emotions जो हैं, वो हमें help करती हैं कि हम अच्छा decision लें, अच्छी decision making करें. ठीक है, अब पहले तो कहते थे कि feelings को नहीं consider करो, अब कहते हैं करो. Why? Because you know stuff. आप एक पोजीशन पे हो, ऐसे ही नहीं आ गए हो, आपने चीजें देखी हैं, यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स. हो सकता है आप उसको एक नाम नहीं दे सकते. फॉर एग्जांपल, आप कभी कभी कहते हो, इवन लेट्स से इन रिलेशनशिप्स, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, यू आर लाइक यार आई कांट पिन पॉइंट वो क्या है, बट आई थिंक ये बंदा मेरे लिए सही है. या लड़का कहते हैं आई थिंक ये बंदी मेरे लिए सही है. नाउ दैट आई थिंक एंड ये बंदा, वॉट इज दैट? दैट्स योर फीलिंग. You can't name the things. आपको नाम देना नहीं आ रहा कि वो क्यों exactly. सही, आप कह सकते हो प्रिटी है, ऐसी है, वैसी है. लोगों ने कहा आप ऐसी तो हजार हैं, but you are like no. I don't think मुझे ऐसा कोई दोबारा मिलेगा. I just want to marry her or whatever relation, propose, जो भी है. So that's the sort of thing. ठीक है, आपकी feeling क्या कहती है? जब आपकी feeling एक चीज पे बहुत ज़्यादा intense होगी एक मैनेजर की, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि वो करेक्ट डिसीजन लेगा. ठीक है, एंड यूजुअली एक स्टडी में पाया गया है कि उनकी परफॉर्मेंस उन डिसीजंस की ज़्यादा अच्छी होती है जिन पे मैनेजर्स की इंटेंस फीलिंग और इमोशंस होते हैं, स्पेशली जब उन्हें समझ आ रहा है कि ये फीलिंग क्यों है, किस तरह है. राइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप के समझ आया, थोड़ा लंबा हो गया. एनीवेज, Do subscribe and like and share. और comment कीजिएगा अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं मैं आगे सिखाऊँ, समझाऊँ या कुछ भी, तो we will talk about it. अभी मैं फ़िलहाल drive पे एक list बना रही हूँ, तो क्या है, जितने मेरे पास requests आती हैं मैं उसमें डाल रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं future में उन सब video को tackle करूँगी, लेकिन it takes time and आप लोगों को समझना होगा कि time लगता है. एंड मुझे हर चीज़ में खुद पहले मेक श्योर करती हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आई नो व्हाट आई एम सेइंग. अगर मैं कुछ भी, मैं मिस्टेक्स करती हूँ, लेकिन मैं ये भी मेक श्योर करती हूँ कि मुझे पता है वो चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइज.